A square tank of capacity 250 meter cube has to dug out. The cost of land is rupees 50 per meter square. The cost of digging increases with the depth, and for the whole tank is 400 into depth ka square rupees. Find the dimension of the tank for the least total cost. Board mein bhi aaya hai aur pehle Roorkee incident mein bhi ye question aaya hai. आप इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए. आपका नाम देखो बिल्कुल ऐसे. द स्क्वायर टैंक आपका नाम ऐसे आपका स्क्वायर टैंक होगा. और कैपेसिटी इसकी जो कैपेसिटी है 250 मीटर क्यूब की है. हैज टू बी डग आउट इतना आपको खोदना है. मेन अगर आप ये चीजें समझ गए ना द कॉस्ट ऑफ लैंड इज रुपीज आपका देखो 50 पर मीटर स्क्वायर. The cost of digging increases with the आपका देखो ना दिस ना इसमें एक और डायमेंशन मेरी सबसे कमी से नहीं ठीक है 250 हो गया 50 हो गया और आपका 4 ये अगर आपकी समझ में आ गया इसका मतलब सवाल हो गया जी. क्या सोच रहे हैं आप अगर इसको स्क्वायर बेस को अगर आप ऐसे बनाते हैं बेस आपका ये एक्स हो गया. इसको आप एक्स ले लीजिए आपका एकदम ये भी आपका नाम ए एक्स हो गया. ये जो हाइट है ये आपका नाम. तो नाउ लेट एक्स बी द साइड ऑफ ये स्क्वायर टैंक हो गया. काम कर रहे हैं तो जरा नाम लिखिए. दे नाम हो बदनाम हो लेकिन गुमनाम ना स्क्वायर टैंक आपका नाम होगा. 10,000 स्क्वायर टैंक ये आपका ये स्क्वायर बेस भी आप लिख सकते हैं. स्क्वायर बेस ऑफ दिस टैंक विथ जेड बी द टैंक ये जो है आपका नाम दिस इज ये जेड या के डेप्थ हो गया आपका नाम जिसको हाइट बेसिकली आप कहते हैं डेप्थ. इसमें एक चीज बहुत क्लियर आपको देखो ना दिस इज ये है आपका नाम देखो इसका इसका होता क्या होगा कि जो आप कॉस्ट ऑफ आपका नाम ये देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग है दिस इज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ है इसकी. इसका मतलब कॉस्ट ऑफ डिगिंग द होल टैंक ये इज इक्वल देखो 400 इनटू ये देखो दिस द ये डेप्थ का स्क्वायर है ये रुपए 400 जेड स्क्वायर आ गया सर. इसके बाद पहली चीज तो ये आपकी क्लियर हो गई. नाउ अब आपका देखो ना टोटल कॉस्ट ये आपके लिए थोड़ा सा भारी तो नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी टोटल कॉस्ट को अगर आपने वाई ले लिया अब सारी चीजें इसी देखो द कॉस्ट ऑफ लैंड इज रुपीज 50 मीटर पर एक्स स्क्वायर आप बना लीजिए. इसका मतलब कॉस्ट ऑफ लैंड इनटू साइड ऑफ वो देखो स्क्वायर टैंक स्क्वायर टैंक है साइड जो कि ये वाला और प्लस अपना ए कॉस्ट ऑफ दिस ना कॉस्ट ऑफ डिगिंग ये होल टैंक से इसका मतलब वाई इज इक्वल टू आपका 50 एक्स स्क्वायर प्लस 400 जेड स्क्वायर ये आपका देखो ये होगी सर. थर्ड
वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू आपका 250 मीटर क्यूब है सर। तो कैपेसिटी का मतलब बेसिकली आपका क्या हुआ, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टैंक ये इज इक्वल टू नीचे का बेस, एरिया ऑफ बेस ये हुआ सर आपका ना, और इंटू डेप्थ, एरिया ऑफ बेस क्या होता है एक्स स्क्वायर जेड, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 250 अपॉन जेड। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, इस इक्वेशन में शिफ्ट करा दे यहां तो ना बोल दे नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 250 अपॉन जेड इन इक्वेशन नंबर 2। y is equal to 50 into 250 z or plus 400 z square. So y is equal to इतना करें वहां z ऊपर चले जाएगा ठीक है। तो सर ये लीजिए आपकी फोर्थ क्वेश्चन, अब आप किसके रिगार्ड में डिफ्रेंशिएट करेंगे जी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो नाउ डी बाई डी जेड ऑफ वाई इक्वल टू 125 00 डायरेक्ट कर दो, मेरे हिसाब से ऊपर गया जेड स्क्वायर, जरा चेक करिएगा सर गड़बड़ तो नहीं है, क्यों नहीं है गड़बड़, ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा बाहर आएगा माइनस, और प्लस 800 जेड आ गया। तो नाउ दिस फोर्थ ये फिफ्थ हो गया सर dy by dz, अब क्या होगा सर, तो नाउ फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y dy by dz इज इक्वल टू 0 माइनस 125 00 अपॉन z स्क्वायर प्लस 800 z इक्वल टू 0। अब क्या करूं, पहले ये यहां जाएगा माइनस 125 100 प्लस 800 जेड क्यूब अपॉन ये जेड स्क्वायर विच इज नोन एज आपका एलसीएम इक्वल टू 0, देन इट विल बी फाइनलाइज 800 जेड क्यूब माइनस 125 00 120 इक्वल टू आपका नाम 0 इंटू जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 जी। आप बोलिए जेड क्यूब इज इक्वल टू 125 00 अपॉन 800 यानी कि बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय ओटी एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले ओटी में जाएगा और फिर इसका डबल जीरो, तो जेड क्यूब इज इक्वल टू 125 अपॉन 8 z इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 125 बाय 8 z इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। ये आपकी डेप्थ आ गई और किसमें थी, मीटर 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 मीटर, आपका z आ गया, इसको यहां पुट आउट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ z is equal to 5 by 2 in equation number 3 x square is equal to 250 upon z is a, so now 250 upon value of z is what, 5 by 2 a is alone and b by c is alone, so now it is your ac by b ho jata hai, so now
x square equal to 250 into 2 upon 5 is 2, 5 is a, this is x square is equal to 100, x is equal to plus minus 100 equal to 10 meter आगे सरक, ठीक हो गया? तो अब आप क्या करेंगे? वैल्यू डाल दीजिएगा, तो फ्रॉम नहीं नहीं ये तो निकालिए, अब आपने इसका डिफरेंशिएशन निकाला, इसको फिर आपका नाम दस में डिफरेंशिएटिंग अगेन, नाउ इक्वेशन नंबर 5 ऑन बोथ साइड्स d स्क्वायर y अपॉन d x स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा सर? जो ऊपर जाएगा तो ये माइनस 12500 अपॉन, ये आपका z क्यूब हो गया, तो ये देखो अब माइनस माइनस का आपका क्या हो जाएगा, फिर एक माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नाउ प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, 800 हो गया, तो ये वैल्यू को डालिए आप तो क्या हो जाएगा, कितना होगा, ग्रेटर देन आपका क्या है, प्लस में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या होगा, जीरो आएगा, ठीक हो गया? इसका मतलब हेंस वाई इज मैक्सिमम हो जाएगा, चुप सर आप क्या कहते हैं, हाँ मिनिमम निकालना क्या था आपको, डायमेंशन निकालनी थी ना, तो ना एक्स इज इक्वल आपका कितना हो गया 10 मीटर और जेड इज इक्वल टू 5/2, ये तो डायमेंशन हो गए क्योंकि स्क्वायर टैंक है ना, नीचे का बेस एक्स इंटू एक्स आपका हो गया, दिस दिस इज वाई इज मिनिमम, प्लीज डू इट सर, ऐसे क्वेश्चंस पे आप ज्यादा नजर रखिए।